जय भारत, मैं अमरीन खान, औरंगाबाद अपडेट यूसीएन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की ताजा खबरों पर। कानून के प्रति जनता में जागरूकता लाने का प्रयास करेंगे आमदार हर्षवर्धन जाधव के सुपुत्र। नामांतर मुद्दे पर विविध पक्ष संगठनाओं का उपोषणकर्ताओं को मिला समर्थन। अस्पाय लीगल क्लब की ओर से प्रोटेक्शन वुमेन्स फॉर डोमेस्टिक एक्ट 2005 के बारे में जन जागृति शिविर का आयोजन कल 6 अक्टूबर इसको फुलमरी तालुका में विविध स्कूलों में होने वाला है। इससे समाज में आम जनता के बीच कानून की जागरूकता निर्माण होने में अवश्य ही मदद होगी। आज इस शिविर का ट्रेनिंग सेक्शन रखा गया था। इस अस्पाय लीगल क्लब से 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। इन सभी बातों की जानकारी आदित्य हर्षवर्धन जाधव इन्होंने मीडिया को दी। आज हम देखा लॉ स्टूडेंट को आप जानकारी दे रहे थे, क्या करेंगे? हम एक सोशल अवेयरनेस कैंप कल लेने वाले हैं हमारे जिला में, और उसके लिए एक ट्रेनिंग सेशन करके हमने ये प्रोग्राम आज का लिया। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के बारे में जन जागृति करने का काम हम लोग हमारे क्लब के थ्रू करना चाहते हैं, और उसके लिए आज ये ट्रेनिंग सेशन हमने लिया है। लगभग अभी 100+ स्टूडेंट्स हमारे इस एस्पायर के ग्रुप में है, और जैसे जैसे प्रोग्राम्स आएंगे वैसे वैसे वॉलंटियर्स की संख्या भी बढ़ती जाएगी। बट ये एक पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये एक सोशल इवेंट है, और इसके वजह से इसमें अलग अलग पार्टी के लोग, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के लोग शामिल है। और फुलमरी के कुछ स्कूल्स में हम हमारा पहला इवेंट लेने वाले हैं, उसके बाद में हम अलग अलग तालुका में जाएंगे। जैसे आपको पता ही होगा, हमने मुंबई में भी कार्यक्रम लिया, हमने पुणे में भी कार्यक्रम लिया, और इसलिए एक स्टूडेंट विंग हम लोग तैयार कर रहे हैं, और इसके थ्रू वेरियस जो एक्ट्स है गवर्नमेंट के उसके बारे में हम जन जागृति जो है वो करने का काम करेंगे। आपके तरफ से आप मोटिवेशन का प्रोग्राम ले रहे हैं, तो सिर्फ स्टूडेंट ही शामिल होंगे या आम जनता के भी नौजवान इसमें शामिल हो सकते हैं? नहीं, ये जो कैंप था ये मोटिवेशन का कैंप नहीं था, ये मैं एक्ट एक्सप्लेन कर रहा था। मोटिवेशन करना एक अलग चीज़ रहती है। मोटिवेशन करने के लिए मैं संत साधु नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मुझे जो समझ में आता है, मुझे लगता है कि वो दूसरों को भी समझना चाहिए, इसलिए जो एजुकेशन मेरा हुआ है वो एजुकेशन मैं इम्पार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके सिवाय दूसरा कुछ मोटिव मेरा इसमें नहीं है। औरंगाबाद और उस्मानाबाद नामांतर के मुद्दे को लेकर औरंगाबाद शहर के निवासी सैयद उबैद इनामदार और पैठन के निवासी सैयद अंजार कादरी 2 अक्टूबर गांधी जयंती से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठे हैं। इस बीच अलग अलग पक्ष और संगठना का उन्हें समर्थन मिलता जा रहा है, जैसे कि समाजवादी पार्टी, मराठवाड़ा विकास क्रांति दल, विकराल पार्टी, पैठन तालुका MIM यूथ, SDPI, महाराष्ट्र BPL मजदूर संगठना, भ्रष्टाचारी विरोधी समिति, इन सभी ने इन्हें समर्थन दिया। आज आपके उपोषण का 14 दिन है जी, तो आज तक क्या क्या स्थिति है बताइए। आज का हमारा औरंगाबाद उस्मानाबाद के ताल्लुक से, हम लोग नामांतर के ताल्लुक से यहाँ पर उपोषण के, आमरण उपोषण के लिए बैठे हुए हैं, और मैं सैयद अंजार कादरी और उबैद भाई इनामदार, हम दोनों मिलकर यहाँ पर उपोषण के लिए बैठे हैं। आज का हमारा 14 दिन है, और इन 4 दिनों के अंदर हमको 5 से 7 लोगों के पाठिंबे मिले, जिसमें से समाजवादी पार्टी औरंगाबाद की जानिब से जो तो हमको पाठिंबा मिला, उसके बाद मराठवाड़ा विकास क्रांति दल विक्रांत औरंगाबाद शहर की तरफ से जो तो हमको पाठिंबा मिला, पैठन तालुका MIM यूथ की तरफ से जो तो हमारे को पाठिंबा मिला, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की तरफ से जो तो हमको पाठिंबा मिला, उसके बाद महाराष्ट्र BPL मजदूर संगठना की जानिब से हमको पाठिंबा मिला, उसके बाद भ्रष्टाचार विरोधी समिति के जानिब से हमको पाठिंबा मिला, और साथ ही साथ जो तो औरंगाबाद एक्शन कमेटी के खालिद भाई भी यहाँ पर आए थे, जिन्होंने आकर जो तो यहाँ पर पाठिंबा और समर्थन हमको जो तो दिया। यहाँ पे अब तक के जो तो कोई कौन मतिन? हाँ, मतिन भाई आए। इस साल बारिश कम होने के कारण फूल विक्रेता और फूलों के खरीदार दोनों भी काफी परेशान हाल नजर आ रहे हैं। ज्यादा बारिश होने पर खेतों में लगे फसलें बह जाती है या तो खराब हो जाती है, उसी तरह कम बारिश होने पर फसलें जल जाती है। इसी के कारण बाजारों में चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। अब त्योहारों का वक्त है और ऐसे समय पर फूलों की मांग ज्यादा होती है। पूजा के लिए, सजावट के लिए फूलों की आवश्यकता होती है। बारिश कम होने से फूलों की आवक कम हो गई है और इसी तरह उसके दाम भी बढ़ गए हैं, और फूल विक्रेता इन्हीं बड़े दामों से
फूलों को खरीदकर बाजारों में मजबूरी से बेच रहे हैं। ये साल बारिश नहीं होने की वजह से आपका फूलों का कारोबार है, कितना फर्क पड़ा है कारोबार? ये साल जो है ना बारिश नहीं होने की वजह से सबको प्रॉब्लम आया, फूलों की शेतकरे जो आते उनको भी प्रॉब्लम आया, और हम जो बेचते हैं रिटेल में हमारे को बहुत प्रॉब्लम आया, वो फूल कम आएंगे और लेने वाले ज़्यादा है, क्योंकि औरंगाबाद में कम से कम 2000 दुकान है और लेने वाले ज़्यादा है और फूल कम आ रहे हैं। जो पहले 10 कुंटल माल आता था तो अभी 4 कुंटल माल आ रहा और लेने वाले ज़्यादा है, इसकी वजह से फूलों में बहुत तेज़ी आ गई। और कितना फ़र्क पड़ा है अभी के रेट में और पहले के रेट में? पहले जो है तो समझो गुलाब हमारे को मिलता था 40-50 रुपये, 100 रुपये, अभी उसका रेट डबल हो गया। और ये सेवंती के फूल है, निशिगंध के फूल है, उसके 4-5 रेट बढ़ गए, उसकी वजह से हमको जो है ना लेके बेचना पड़े, और ग्राहक जो है तो वही पुराने रेट में मांगता हमारे से। तो आपके कारोबार में भी असर हो रहा है? हाँ, फ़र्क पड़ा ना कारोबार में, बहुत फ़र्क पड़ा हमारे। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम शेख शकील, शेख अमीन। कानून के प्रति जनता में जागरूकता लाने का प्रयास करेंगे आमदार हर्षवर्धन जाधव के सुपुत्र। नामांतर मुद्दे पर विविध पक्ष संगठनाओं का उपोषणकर्ताओं को मिला समर्थन। और इसी के साथ आज के समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। कल फिर मिलते हैं, देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट UCN TV चैनल।